भारत और चीन की सेना के बीच चल रहे सीमा विवाद के बीच अमेरिका ने एक रिपोर्ट जारी की है। अमेरिका की ये रिपोर्ट अगर चीन देखेगा तो चीन की धड़कनें भी बढ़ जाएंगी। अमेरिकी न्यूक्लियर एक्सपर्ट का कहना है कि भारत अब दिन प्रतिदिन अपने परमाणु हथियारों को आधुनिक बना रहा है ताकि वो चीन और पाकिस्तान पर नजर रख सके। आफ्टर मिडनाइट में छपे एक आर्टिकल की माने तो भारत ऐसी मिसाइल बना रहा है जिसकी जद में पूरा चीन होगा और भारत के इस मिसाइल का बेस दक्षिण भारत में होगा। भारत के लिए चीन को यहां से निशाना बनाना बेहद आसान होगा। अमेरिका में छपे इस आर्टिकल का नाम इंडियन न्यूक्लियर फोर्सेस 2017 था। इस आर्टिकल में लिखा है, भारत के पास 600 किलोग्राम प्लूटोनियम मौजूद है जिसके जरिए 150 से 200 न्यूक्लियर वॉरहेड्स बनाए जा सकते हैं। हालांकि भारत पूरे प्लूटोनियम का इस्तेमाल न्यूक्लियर वॉरहेड्स बनाने में नहीं करेगा। अग्नि एक मिसाइल का अगला प्रारूप टू स्टेज सॉलिड फ्यूल अग्नि टू मिसाइल 2000 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक न्यूक्लियर ले जा सकती है जिसके जरिए पश्चिमी सेंट्रल और दक्षिणी चीन पर अटैक किया जा सकता है। भारत की अग्नि फोर मिसाइल उत्तर पूर्वी भारत से बीजिंग और शंघाई समेत लगभग पूरे चीन पर हमला करने की क्षमता रखती है, लेकिन भारत इससे भी कहीं ज्यादा रेंज अग्नि 5 मिसाइल तैयार कर रहा है। अग्नि 5 तीन स्टेज और सॉलिड फ्यूल से चलने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी क्षमता 5000 से ज्यादा किलोमीटर तक न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की है। परमाणु विशेषज्ञों का अनुमान है कि भारत के पास 7 परमाणु सक्षम प्रणाली है। इनमें 2 विमान से चलने वाली तो 4 जमीन से संचालित होने वाली बैलिस्टिक मिसाइलें और समुद्र से मार करने वाली एक बैलिस्टिक मिसाइल है। अमेरिकी आर्टिकल में कहा गया है कि भारत कम से कम 4 और प्रणालियों पर काम कर रहा है और भारत उन्हें तेजी से विकसित कर रहा है। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।